अपने कैबिनेट के 50 से अधिक मंत्री और सांसदों के इस्तीफा देने और पद छोड़ने की मांग के आगे झुकते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। हालांकि नए प्रधानमंत्री का चयन होने तक वह पद पर बने रहेंगे। इस बीच आइए जानते हैं कि ब्रिटेन के इस राजनीतिक संकट के पीछे कौन से प्रमुख कारण रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पार्टी गेट कांड से बड़ी थी जॉनसन की मुसीबतें। ब्रिटेन में जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि मई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच कोरोना के कड़े प्रतिबंध होने के बाद भी जॉनसन और उनके स्टाफ ने प्रधानमंत्री निवास कार्यालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में कुल 16 पार्टियां आयोजित की थी और इस पार्टी में प्रधानमंत्री जॉनसन ने कर्मचारियों के बीच कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए जमकर शराब पार्टी का आनंद उठाया था और उस समय इस घटना को पार्टी गेट कांड का नाम दिया गया था। इस रिपोर्ट के बाद जॉनसन की मुसीबतें बढ़ गई थी जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन को काफी विरोध झेलना पड़ा था और जॉनसन को करना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव का सामना। इस रिपोर्ट के बाद आम जनता सहित कंजर्वेटिव पार्टी सांसदों ने जॉनसन का विरोध शुरू कर दिया था। कई सांसदों का यह भी आरोप था कि वह सरकार की विवादित नीतियों का बचाव करते हैं और बाद में उसमें बदलाव किया जाता है। ऐसे में उन्होंने जॉनसन से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग भी की थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के ही 54 विरोधी सांसद जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हम आपको बता दें कि जिसके बाद जॉनसन ने उस अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास मत हासिल किया था। अपनी ही पार्टी के सांसदों द्वारा 6 जून को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को जॉनसन ने जीत तो लिया था लेकिन उन्हें बढ़ती हुई अपने खिलाफत का अंदाजा उस समय ही हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 359 सांसदों में से 59% यानी कि 211 ने उनके पक्ष में वोट किया था लेकिन 41% यानी कि 148 ने उनके खिलाफ वोट दिया था। इस अविश्वास प्रस्ताव ने जॉनसन की सत्ता की पकड़ को ढीला कर दिया था। इसके बाद भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की मुसीबतें यहीं तक नहीं रुकी। पहले से ही पार्टी में विरोधाभास झेल रहे जॉनसन को क्रिस पिंचर कांड ने विरोध को और भी बढ़ा दिया। 30 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर ने साल 2019 में लंदन के एक प्राइवेट क्लब में दो मर्दों को आपातजनक तरीके से छुआ था। उस समय यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री जॉनसन को इस बात की पूरी जानकारी थी। हालांकि 1 जुलाई को सरकार ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी लेकिन एक प्रवक्ता ने सरकार के इस दावे का खंडन कर दिया और जॉनसन की परेशानी यही नहीं रुकी। प्रवक्ता ने जॉनसन को मामले की जानकारी होने का खुलासा करने के बाद पार्टी के नेताओं से यह कहते हुए जॉनसन की खिलाफत शुरू कर दी थी कि उन्होंने मामले की पूरी जानकारी होने के बाद भी इस साल की शुरुआत में पिंचर को डिप्टी हीप चीफ बना दिया था, जिसको लेकर जॉनसन की पार्टी सहित विपक्ष के नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए उनको पद छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था लेकिन जॉनसन ने ऐसा नहीं किया और जिसका परिणाम जॉनसन को आगे चल के भुगतना ही पड़ा। जॉनसन के विरोध में इस्तीफों का दौर भारतीय मूल के ऋषि सुनकर के इस्तीफे से शुरू हुआ था जिन्होंने मंगलवार रात को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसी रात पाकिस्तानी मूल के साजिद वाजिद ने भी स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पिछले 2 दिन में एक के बाद एक कई इस्तीफे हुई और कुल 50 से अधिक कैबिनेट मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों ने जॉनसन की खिलाफत करते हुए इस्तीफा दे दिया और अंत में नए नवेले वित्त मंत्री नादिम याहाबी और शिक्षा मंत्री बनी मिशेल डोलेलन ने अपना अपना इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री जॉनसन से इस्तीफा देने की मांग की थी। इससे उन पर और भी दबाव बढ़ गया था और आखिरकार उन्होंने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने पार्टी द्वारा नए नेता का चुनाव किए जाने तक अपने पद पर बने रहने की बात की है। इसी के साथ मैं विकास अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगा और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।